अलौकिक नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान कक्षा 8 के तहत आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 भारत के अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देखें, निम्न अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है या कहाँ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, भारतीय रसायन का जो जीव विज्ञान संस्थान है वो आपको मिलेगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ओके, हावड़ा ब्रिज भी आपको कोलकाता में मिलता है। इसके बाद देखिए, रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है, कोलकाता। नंबर 5, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि मीन्स जो केंद्र की दवा अनुसंधान मीन्स रिसर्च का जो संस्थान है वो आपको लखनऊ मिलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इस समय यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। इसका नंबर 4, भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र, ये आपका साइंटिस्ट से रिलेटेड है, तो भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा ट्रांबे, कहाँ, ट्रांबे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये भाभा आपके होमी भाभा जो कि हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है। नंबर 3, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो पेट्रोलियम का संस्थान आपको मिलेगा देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको दून नाम से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में आपको बता दें, अनुसंधान का मतलब होता है खोज या प्रैक्टिकल करना, जिन चीज़ों के जो भी स्पेसिफिक नाम है उसका प्रैक्टिकल चलता है। इसके बाद देखिए, नंबर 2, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, मीन्स राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी का जो संस्थान है वो आपको मिलेगा नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, नितिन गडकरी का ये संसदीय क्षेत्र है तो नागपुर आपको मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपको मिलेगा नागपुर में। नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारत का कृषि मीन्स खेती का अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जो कि बहुत सरल है, इसको जरूर याद रखें। प्यारे मित्रों, आपको ट्यूशन क्लासेस लगातार चाहना हो तो वीडियो को पहले लाइक करें, अन्य दोस्तों से शेयर भी कर दें, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, उसके जरिए आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज आपकी चल रही हैं। और अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है उपग्रह प्रेक्षण वाहन परियोजना। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, उपग्रह। तो प्रेक्षण मीन्स होता है भेजना, तो उपग्रह प्रेक्षण वाहन परियोजना ये कहाँ से शुरू हुई, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में उपग्रह प्रेक्षण वाहन परियोजना है। इसके नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एवं हियरिंग, स्पीच मीन्स होता है भाषणबाजी और सुनने का काम, हियरिंग मीन्स सुनना, तो ऑल इंडिया का इंस्टीट्यूट स्पीच और हियरिंग वाला आपको मिलेगा मैसूर, कहाँ पर, मैसूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैसूर आपके टीपू सुल्तान का गढ़ था। इसके बाद देखिए, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चर्म मीन्स होता है चमड़ा, ठीक है, ये चमड़ी, दो में से एक भी कर सकते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, इसका जो भी खोज का काम होता है चमड़ी से रिलेटेड या चमड़े से रिलेटेड, वो चेन्नई, ट्रिक क्या है, चर्म चेन्नई, चाचा कामन है, तो बहुत बढ़िया है चेन्नई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। अब बात करें राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला मीन्स नेशनल केमिस्ट्री लैब, आपको मिलेगा पुणे, कहाँ, पुणे, ये भी आपका महाराष्ट्र में है, इसको बहुत लोग पूना के नाम से भी जानते हैं, तो पुणे में आपको मिल जाता है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। इसका नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री प्रयोगशाला मीन्स इंडिया की जो अंतरिक्ष यात्री प्रयोगशाला है वो आपको बेंगलुरु मिलेगी, बेंगलुरु, ये आपकी कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट केंद्रीय वैद्युत रासायनिक अनुसंधान का संस्थान आपको मिलेगा कड़ाईकुड़ी में, कहाँ, कड़ाईकुड़ी, ये भी आपका शायद केरल में आता है। इसके बाद देखिए, नंबर 13, भारतीय कर्क रोग अनुसंधान संस्थान, कर्क रोग, ठीक है, कर्क रोग कई होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है वो आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मिलता है। तो भारत की दो राजधानियां हैं, एक आपका जो मेन राष्ट्रीय राजधानी है वो नई दिल्ली है, और जो आर्थिक राजधानी मीन्स पैसा वाली जो राजधानी है वो मुंबई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो आपको जो है भारतीय कर्क रोग अनुसंधान मीन्स रिसर्च करना है तो मुंबई जाना होगा।
ये मुंबई को इससे पहले बंबई या बॉम्बे के नाम से भी जानते थे। इसके बाद है नंबर 14, भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान। भारतीय जो सीमेंट का खोज होता है, इस सीमेंट से रिलेटेड जो भी प्रयोग होते हैं वो आपको मिलते हैं बल्लभगढ़ में। ठीक है, बल्लभगढ़ में आपको सीमेंट से रिलेटेड सारे कार्य मिलेंगे। नंबर 15, केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश अनुसंधान संस्थान। मरुस्थल का मतलब होता है बिल्कुल बंजर जमीन, जहाँ सिर्फ बालू ही बालू हो, केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश। तो मरुस्थल प्रदेश जो अनुसंधान होता है, रिसर्च है, वो आपका उत्तराखंड की रुड़की में होता है, रुड़की उत्तराखंड। इसके बाद देखिए बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है, स्किप नहीं करिएगा, नीचे से आइए 20 नंबर पे, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो भारत के ईंधन के जो रिसर्च लैब है वो आपको मिलता है धनबाद पश्चिम बंगाल, धनबाद पश्चिम बंगाल। इसका नेक्स्ट है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। केंद्रीय वैज्ञानिक का उपकरण का संगठन जो आपको मिलता है वो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ आपका केंद्रीय शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ में है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। इसके बाद देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, चंडीगढ़ में फूलों की घाटी भी है। इसका नेक्स्ट राष्ट्रीय धातु शोधन प्रयोगशाला, में धातु का जो निचोड़ होता है या धातु से जो मिक्सचर करके नई धातु बनाई जाती है, वो आपका जो प्रयोगशाला है वो जमशेदपुर में मिलेगा। अनुसंधान का एक दूसरा अर्थ आप सिंपल शब्द में प्रयोगशाला भी ले सकते हैं। जमशेदपुर रतन टाटा का गढ़ जो है, जमशेदपुर में आपको मिलेगा राष्ट्रीय धातु शोधन प्रयोगशाला। इसके देखिए तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। इसके देखिए नंबर 17, केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान जोधपुर में आपको मिलता है मरुस्थल, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको राजस्थान जयपुर में मिलेगा, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश संस्थान जोधपुर में है। तो नेक्स्ट देखिए, भारतीय कटिबंधीय अंतरिक्ष विद्या संस्थान, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय कटिबंधीय अंतरिक्ष विद्या संस्थान आपको मिलेगा पुणे, जिसको हम पूना के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हमने अनुसंधान से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप दो बार वीडियो देखेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए जो हमारे नॉलेज में थे। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आप उसे पसंद कर रहे हैं। शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।